तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वाई एसईओ मींस टुडेज टाइम एसईओ इंपोर्टेंट क्यों दे रखा है, कि सभी बिजनेस एसईओ की तरफ क्यों जा करने वाले हैं कि वाई एसईओ मींस टुडेज टाइम एसईओ इंपोर्टेंट क्यों दे रखा है, कि सभी बिजनेस एसईओ की तरफ क्यों जा रहे हैं। क्योंकि जो आपने देखा होगा, लोगों से सुना होगा आपने कि एसईओ जो दे रखा है एक लॉन्ग टर्म गेम दे रखा है, अदरवाइज वो एसईओ की जगह एसईएम भी करा सकते हैं। तो उसके पीछे कुछ रीजंस रहे होंगे, मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पहला रीजन देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक सर्च इज द मोस्ट ऑफन द प्राइमरी सोर्स ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक। मीन्स अगर कह सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन मार्केट में हैं और आपकी वेबसाइट है और आप उस पर ट्रैफिक लाना चाहते हैं, अगर इंस्टीट्यूट ऑफ एसईओ आप एसईएम से ट्रैफिक लेके आते हैं, तो आप कहां तक ला सकते हैं। हो सकता है एक महीने आप पेड ट्रैफिक चला सके, दो महीने कैंपेन चला सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि लॉन्ग टर्म चलना है अपनी मार्केट के अंदर, तो आपको एसईओ करवाना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि एसईओ क्या दे रखा है, ये सोर्स दे रखा है प्राइमरी वेबसाइट ट्रैफिक, क्योंकि यहां से ट्रैफिक आ रहा है। तो उस ट्रैफिक को आप अपनी मर्जी के अनुसार कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ ले सकते हो एक एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दे रखी है, उसकी वेबसाइट दे रखी है, उन्होंने कुछ ब्लॉग्स लिख रखे हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ओके। और उस ब्लॉग पर इनका क्या आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, और ट्रैफिक आ रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, उनको स्टूडेंट्स में भी चेंज कर सकते हैं। मीन्स अगर वो उस ब्लॉग पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि वो डिजिटल मार्केटिंग से इंटरेस्ट रखते हैं, ओके। तो इस बीच में क्या कर सकते हो, आप वहां पे एक लीड फॉर्म बना सकते हो और उससे लीड जनरेट कर सकते हो, जिससे आपका कि पैसे भी नहीं लेंगे और आपके पास लीड भी आ जाएगी। दोस्तों सेकंड रीजन क्या देख सकते हैं, हम उसकी बात करते हैं। गुड एसईओ आल्सो मींस अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस। मींस अगर आपके पास एसईओ बेटर है आपकी वेबसाइट का, इसका मतलब यह है कि यूजर आ रहा है और वेबसाइट पर रुक रहा है, इससे आपको यूजर का एक्सपीरियंस पता लगेगा। वो कैसे पता लगेगा, अगर मान लीजिए आपकी सेशन टाइमिंग अच्छी दे रखी है, जैसे कि अब मैं मानता हूँ कि सेशन टाइमिंग का मतलब क्या है, अगर कोई बंदा 10 सेकंड से पहले आपकी वेबसाइट को छोड़ के नहीं जाता, इसका मतलब कुछ देर तो वो टिकना पसंद कर रहा है। या फिर मैं कहूँ एक जो गुड सेशन टाइमिंग मानी जाती है वो अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स मानी जाती है, अगर 2 मिनट आपकी वेबसाइट पर रुक रहा है, इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं एसईओ सही कर रखा है, और इससे यूजर एक्सपीरियंस के बारे में आपको पता लगेगा कि हाँ कि आपके जो ब्लॉग्स दे रखे हैं या आपकी वेबसाइट दे रखी है, जो आप वहां पर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, वो एक तरीके से अच्छा दे रखा है, उसको आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है वहां पर, क्योंकि यूजर क्या कर रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं। दोस्तों हम तीसरे रीजन की बात करें, यहाँ पर वो दे रखा है एसईओ हेल्प्स टू यू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। मीन्स ऑडियंस को आप ट्रैक भी कर सकते हैं। आपने कभी सुना होगा पिक्सल क्या होता है, आपकी वेबसाइट का डेटा ट्रैक करता है। मींस आपकी वेबसाइट पर जो लोग आ रहे हैं, यूजर्स आ रहे हैं, आपकी ऑडियंस आ रही है, उसका बिहेवियर कैसा रहने वाला है। तो इसका यूज करके, पिक्सल का यूज करके आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आपकी ऑडियंस क्या क्या एज दे रखी है उसकी, या फिर वो किससे इंटरेस्ट रखती है, या फिर किस टाइप की ऑडियंस दे रखी है, उसके डेमोग्राफिक क्या दे रखे हैं, इंटरेस्ट किसमें रखती है, उनके बिहेवियर्स कैसे हैं, ठीक है। तो इससे आप अपनी ऑडियंस को अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों फोर्थ पॉइंट की बात करें, एसईओ इज रिलेटिवली अफोर्डेबल। यहीं पे अगर मैं एसईएम की बात करूं एसईओ की जगह, तो क्या होगा, आपको पर कैंपेन वहां पर क्या बजट पेमेंट करनी पड़ती है, इसलिए क्या आप 1 महीने 2 महीने बजट पेमेंट कर सकते हैं, वहां चला सकते हैं। लेकिन एसईओ क्या है, आप इसको 2 महीने करेंगे तो अगले नेक्स्ट 2 महीने भी क्या होने वाला है, आपकी वेबसाइट टॉप पेज पर ही रहने वाली है। मान लीजिए किसी एक कीवर्ड, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कीवर्ड पे आपने अपनी वेबसाइट को टॉप पेज पर ला दिया, तो आने वाले 2 महीने भी वो क्या रहेगी, टॉप पेज पर ही रहेगी बिना किसी एक्सपेंस के। दोस्तों उसके बाद मैं बात करूँ क्वांटिफाइएबल, ये क्या है, एसईओ क्वांटिफाइएबल दे रखा है। मींस अगर आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज हुई, तो आप कैसे पता लगाएंगे, मैं बता रहा हूँ कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जैसे कि इंप्रेशन हो गया, सीटीआर हो गया, सेशन टाइमिंग हो गई, बाउंस रेट हो गया, या फिर न्यू यूजर्स हो गए, या यूजर रिटेंशन हो गई, हम उनको देख कर बता सकते हैं कि हमारा एसईओ क्वांटिफाइएबल होता है। मींस अगर हमारे ये सारे फैक्टर्स अच्छे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा रैंकिंग कहीं ना कहीं अच्छी चल रही है। दोस्तों उसके बाद मैं बात करता हूँ 6 पॉइंट जो दे रखा है, वो क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म पाथ दे रखा है। मींस अगर आपने एक बार एसईओ किया, आप मार्केट के अंदर अच्छे से जम गए, तो आपकी वेबसाइट टॉप पर रहने वाली है और आप वहां आनंद करने वाले हो बिन पैसे के। दोस्तों इसीलिए मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी वेबसाइट का एसईओ जरूर करें, क्योंकि आपको पर कैंपेन पर यहाँ पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको अच्छे समझ में आया कि आपको आज के टाइम में एसईओ करने की क्यों जरूरत है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।